सासू माँ का हाल जानने हम पहुँचे ससुराल, किंतु वहाँ जब मच्छर नोचे किया मुझे बेहाल और किया मुझे बेहाल। नींद का वक्त कीमती खोया और खुजलाने में रात बीत गई, एक मिनट ही सोया। जी बचने की हर बार कोशिश से हिम्मत कर यूं करता और हमले से आगाज कराने कान में आकर कहता, मच्छर भिन्न जो करता है ना, भिन्न आता है कान में आकर के, अच्छा और सुनहरी मौका, क्योंकि मैं तो नया था लूँ मच्छरों के लिए। वो तो सावधान सो रहे, मैं ही तो नंगा सो रहा था, तो उनके लिए तो सुनहरे मौका था। अच्छा और सुनहरी मौका, नया जायका पाने और मानव की नज़रों में अपनी ताकत को आजमाने। नया शिकार समझकर मच्छर, नया शिकार, मैं तो नया शिकार था उनके लिए, नया शिकार समझ के मच्छर मन में सोच रहे थे और जिसको जैसा मौका पाया जमकर नोच रहे थे। दाएं बाएं अंदर बाहर अगल बगल और ऊपर नीचे, मौका मिला वहीं से मेरा खून मेरा सब मिलकर खींचे। दिन निकले तक चला सिलसिला, दिल पूरी रात हुई यही, दिल निकले तक चला सिलसिला, झपट मार जैसे हालात और आखिर जब मैं हुआ पराजित तब समझा अपनी औकात। मच्छर खटमल के हमलों से, खटमल भी थे जिस खाट पर सो रहा था मैं, खटमल भी थे, मच्छर खटमल के हमलों से जब मेरे पूरे होश उड़ गए, सजे हुए खातिरदारी के सपने और अरमान बिखर गए। दो माह तक मरना जीना खिंच गया मेरा इतना खून, भरपाई में लगा लगे महीना, काया हो गई सूखा जून। मिल गई सीख ससुराल की, छोड़िए मच्छर की बात करी, मच्छर में ही अभी मिल गई सीख तभी से भारी, छोटे को मच्छर को सीधा मन समझिए। मिल गई सीख तभी से भारी, छोटे को सीधान समझिए, पतिक सुखी यद रहना चाहते तो मच्छर से बच के रहिए। बहुत अच्छा संदेश।